सुप्रभात, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली मिस बोल रही हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में उपसर्ग का अध्ययन किया था। इस बार हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, जो आपके व्याकरण का 7वां पाठ है। तो आज हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। यह चित्र क्या दर्शा रहे हैं? पहला चित्र मित्रता को दर्शाता है, दूसरा चित्र सब्जी वाले का है और तीसरे चित्र में हमें एक कलाकार नज़र आ रहा है। ये तीनों शब्द मित्र, सब्जी तथा कला शब्द से बने हैं। कैसे? देखिए, मित्र के साथ ता जुड़ने से मित्रता शब्द बनता है, सब्जी के साथ वाला लग जाने से सब्जी वाला शब्द बना है, उसी प्रकार कला अधिक कार से कलाकार शब्द बना है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मित्र, सब्जी तथा कला शब्द क्रमशः ता, वाला तथा कार शब्दांश के जुड़ने से बने हुए हैं और ये नए शब्द हैं तथा उनके मूल अर्थ में परिवर्तन भी हुआ है। प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही शब्दांश होते हैं, अर्थात यह पूर्ण शब्द न होकर केवल शब्द के अंश या पार्ट होते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं। आपको याद ही होगा कि उपसर्ग में शब्दांश शब्द से पहले लगते थे और प्रत्यय में शब्दांश शब्द के बाद लगते हैं और शब्द के अर्थ में बदलाव भी लाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रत्यय की परिभाषा क्या बन जाएगी, यह अब हम देखते हैं। प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हम परिभाषा को उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे फल वाला, इस शब्द में यह शब्द बना है फल अधिक वाला से। फल के अंत में वाला जोड़ दो तो शब्द बन जाता है फल वाला। फल का अर्थ होता है फ्रूट्स और इसके अंत में प्रत्यय लगा है वाला, जिससे शब्द बना है फल वाला। फल वाला वो होता है जो फलों को बेचता है, तो फल वाला यह एक नया शब्द बन गया है। वैसे ही खिल प्लस आड़ी, जिससे शब्द बना है खिलाड़ी। खिल शब्द का अर्थ है खिलना, जैसे फूलों का खिलना, लेकिन आड़ी प्रत्यय लग जाने से इसका अर्थ बदल जाता है और शब्द बन जाता है खिलाड़ी, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो खेल खेलता है। एक और उदाहरण देखिए, झगड़ प्लस आलू। यहाँ झगड़ का शब्द का अर्थ है झगड़ा करना, लेकिन झगड़ शब्द के अंत में आलू प्रत्यय लग जाने से इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और शब्द बन जाता है झगड़ालू, और झगड़ालू वह होता है जो हमेशा झगड़ा करते रहता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और वो किस तरह नया शब्द बनाते हैं। तो अब हम प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम इन दोनों प्रत्ययों को विस्तार से जान लेते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, तो कृत प्रत्यय की परिभाषा हो जाएगी जो प्रत्यय क्रिया अर्थात वर्ब के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पढ़ना अधिक वाला, इससे शब्द बन जाता है पढ़ने वाला। यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसके अंत में वाला प्रत्यय लगने से शब्द बन गया पढ़ने वाला। वैसे ही लड़ना एक क्रिया है,
और उसके अंत में आई प्रत्यय लग जाने से शब्द बन जाएगा लड़ाई। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हमने देखा था कि कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता तो शब्द बन जाता है सुंदरता। अब यहाँ सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है और जब हमने इसके आगे ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया सुंदरता। वैसे ही बच्चा प्लस पन, यहाँ पर बच्चा क्या है? बच्चा एक संज्ञा शब्द है और जब इसके अंत में हमने पन प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बन गया बचपन। तो इस प्रकार हमने प्रत्यय और उसके प्रकार पर चर्चा की। अब गृह कार्य। यहाँ आपको कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि आपके व्याकरण के पुस्तक में से ही है। आपके पास अभी व्याकरण की किताब नहीं है इसलिए इन सभी उदाहरणों को स्कैन कर यहाँ दिया है जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। और भी कुछ उदाहरण हैं, अभी आपके पास इन उदाहरणों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है तो जब भी समय मिले इन्हें पढ़ते रहिए। इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पढ़ने से यह शब्द आप याद रख सकते हो। पढ़ते समय आपको केवल यह ध्यान में रखना है कि मूल शब्द क्या है, उसे कौन सा प्रत्यय लगा है और इस प्रत्यय के लगने से नया शब्द क्या बन गया है, इसे ध्यान से देखिए। यह शब्द हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ होने वाले शब्द है तो इन्हें पढ़कर आप आसानी से याद रख सकोगे। फिर भी यदि आपको कोई शंका हो तो उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आपने जो शब्द पढ़े उन पर आधारित यह गृह कार्य है। उन शब्दों की सहायता से आप यह गृह कार्य पूरा कर सकते हो। आपके किसी भी रफ नोटबुक में आप इसे लिख सकते हो। कृत प्रत्यय की तरह ही तद्धित प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। यह उदाहरण भी आपके व्याकरण की किताब से ही लिए हैं। इन्हें भी ध्यान से पढ़िए। पढ़ते समय केवल आपको संज्ञा तद्धित प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द को ध्यान से पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय के कुछ और उदाहरण भी यहाँ दिए हैं। यहाँ भी आपको केवल संज्ञा या मूल शब्द और प्रत्यय को पढ़ना है और उन दोनों के सहारे नया शब्द किस प्रकार बन रहा है इसकी तरफ ध्यान देना है। और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि अभी आपके पास समय है इसलिए ये सभी उदाहरणों को आपको यहाँ दिया गया है ताकि जब भी आपको समय मिले आप इन्हें पढ़ते रहिए। वैसे तो ये सभी उदाहरण आपने अपनी पिछली कक्षा में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं तो आशा करती हूँ कि आपको पढ़ते समय दिक्कत नहीं आएंगी। तद्धित प्रत्यय पर आधारित कुछ गृह कार्य है। ऊपर दिए हुए शब्दों के सहायता से आप इस गृह कार्य को पूरा कर सकते हो। यदि किसी शब्द का उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत हो तो उसे नोट डाउन करके रख लीजिए। स्कूल शुरू होने के बाद हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो इस प्रकार आज हमने प्रत्यय और उसके प्रकार का अध्ययन किया।
हमेशा की तरह आपको फिर से बोलूँगी कि अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी शंका हो तो स्कूल शुरू होने के बाद हम उसका समाधान करेंगे। अगले पाठ तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।